असलमेकम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रमज़ान विद डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज एंड अब हम एक ऐसे टॉपिक पे आए हैं जो हम सबको मसले होते हैं जिसके बाद हम सारे रमजान में इफ्तारी करके आपा जो लोगों का हाल होता है उठा नहीं जाता फिर होता है जी ओवर ईटिंग कर दिए फिर मुझे स्ट्रेस ही होता है कि मैंने पानी नहीं पिया अब पानी भी नहीं पिया जाएगा तो हमारा इफ्तारी का जो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने इफ्तारियों में बहुत चीज़ें बनाई होती हैं ओवर ईटिंग भी हो जाती है गलत वे भी ईटिंग हो जाती है पानी की समझ नहीं आती तो ये बहुत बड़ा आई थिंक हम आप सदका जारिया करेंगे अगर लोगों को ये समझा दें हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इफ्तारी। अच्छा पहले आपको बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है आप मुझे ये बताएं अफतारी की जितनी बातें आपने की ये कहाँ पे लिखी हुई है कि ये रोज़े का हिस्सा है कहीं भी नहीं यकीनन नहीं है ना कहीं नहीं ये हमारा एक सोसाइटी का नॉर्म बन चुका है इफ्तारी हमने बहुत लाविश करनी है भिल्कुण? और हर चीज़ फ्राइड भी करनी है और समोसे और पकौड़े भी होने हैं तो ये हमारा सोशल समझ मसला ना? है जी ये पार्ट ऑफ रोज़ा नहीं है ये हमने एक सोशलाइजेशन के लिए या जो हमारी भूख है हाँ फिर भूख आ गई वो जो इतना हवस हवस जल्दी वर्ड है, है लेकिन हवस भी तो होती है हवस है ये भी खा लें वो हाँ, भी खा हाँ, है ना बिल्कुल इसको हम मॉन्स्टर एपेटाइट कहते हैं hmm. जो अंदर आपके इम्बेलेंस की वजह से आती है कि आपके मुंह में ना रोजा खुलने से दो घंटे पहले खुशबुओं से मुंह में पानी आ रहा होता है ठीक है तो अफतारी का कोई ताल्लुक रोजे से रिलीजसली या स्परिचुअली तो नहीं है अगर मैं बात मुझे पता है कि बहुत बुरी लगेगी ये बात सबको वैसे तो नहीं है मतलब अगर आपने खाना है तो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपको रोज़े के होलिस्टिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे पहली बात तो अपने जहन में ये रखिएगा ये ना फिर कहिएगा कि जी मेरा मैदा ख़राब हुआ या मेरा तो कोई नहीं दस पाउंड उतरा ये सब कुछ होगा अच्छा अब अफतारी खानी है अगर तो उसमें जो मैं एक तरीका बताती हूँ क्योंकि मैं भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ ना और मैं बंद तो नहीं कर सकती सब कुछ फिर मैंने उसका एक सीक्वेंस डेवलप किया ताकि लोगों को अफ्तारियाँ भी कराई जा सकें और उसका बॉडी को नुकसान भी ना हो हम रोज़ा खोलने से शुरू करते हैं जब रोज़ा खुलने का टाइम आता है ना तो बॉडी जो है वो निढ़ाल होती है स्टावेशन के मोड में चली जाती है और शुगर लो होती है शुगर लो होती है टेम्परेचर लो होता है सर्कुलेशन लो होती है ये तीन बातें तो होती हैं ठीक है तो इसलिए सुन्नत है कि आप खजूर से रोज़ा खोलें जैसे ही आप खजूर लेंगे आपकी शुगर एलिवेट होगी आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी और आपकी एनर्जी आएगी ठीक है खजूर से रोज़ा खोलें कोई भी डायबिटिक भी खोल सकता है ये मैं आराम से कह रही हूँ क्योंकि खजूर की शुगर डायबिटीज़ में नुकसान नहीं देती आपने छः खजूरें नहीं खानी आप एक या दो खजूर के साथ रोज़ा खोलें और नॉर्मली हम फ्रूट्स खाते हैं साथ या फ्रूट चाट होती है तो आपने खजूर खाई आपने फ्रूट चाट ले ली अभी मैंने कहीं पानी नहीं बोला यही मैं भी सोच रही हाँ मैंने पानी नहीं बोला अभी सो आपने खजूरें खाई आपने फ्रूट चाट ले ली ठीक हो गया अगर कोई ड्रिंक है जैसे लेमनेड है या आप लाल शरबत तो हम लोगों के साथ वो बड़ा शौक से सारी रमज़ान वो ही चलता है लोग वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले लेते हैं ठीक है सो so, अगर आपका बहुत क्रेविंग है इसमें से किसी की जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है नहीं है नहीं नहीं है ठंडक नहीं वो कहते है, मेदे में ठंडक पड़ती है इंटरेस्टिंग होता क्या है कि जब हम अवतार के करीब पहुंचते हैं ना तो कोर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है आपकी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जिस पे आपके वाइटल ऑर्गन्स चलते हैं हार्ट लेवर ब्रेन किडनी कोर टेम्परेचर तो ड्रॉप हुआ होता है आपने वार्म चीज़ लेनी है और मेरा ये मशवरा है जो लोग आपके ऑडियंस हैं और सुन रहे हैं कि ज़रा कोई तीन चार दिन ये एक्सपेरिमेंट करेगा कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ आपने खजूर ली आपने फ्रूट चाट ली उसके बाद आप चाय का एक कप पी लें अभी तक पानी नहीं मैंने बोला कहीं पे भी ठीक है क्योंकि गलत रोजा खोलते ही पानी पीने के जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो शायद गलत अफतारी के नहीं हैं इतने ठीक हो गया फिर रिपीट कर रही हूँ खजूर ली फ्रूट चाट ली चाय पी ली ये एक कॉम्बिनेशन मिल्क टी या ब्राउन टी ब्राउन टी दूध पत्ती नहीं दूध पत्ती नहीं no, no, मतलब no. वो जो दम वाली चाय दम वाली चाय दूध के साथ चम्मच वाली ठीक है थोड़ी सी दूध वाली जैसे ही आप इस कॉम्बिनेशन पे रोजा खोलेंगे ना आपके तीनों इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे आपका ब्लड प्रेशर आपकी लो शुगर और आपका कोर टेम्परेचर तीनों मेंटेन हो जाएंगे आपका वो जो एक हाबड़ा है ना इधर ही कंट्रोल हो जाएगा वाह ठीक है अच्छा एक तो ये बड़ा एक तरीके सलीके का रोज़ा खोलने का तरीका है अब दूसरा तरीका है कि आपने पीना ही है शरबत आपका ख्याल है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अच्छा आपको बहुत अच्छा लगता है ठीक है आप लेमनेड ले सकते हैं आप मीठी लस्सी ले सकते हैं आप यहाँ पर दूध सेवन अप ले सकते हैं हाँ ये, ये ठीक है ना दूध सेवन अप ले आप कोई लाल शरबत ले सकते हैं तो तुख मलंगा पता नहीं क्यों आपने डालना है लेकिन अगर किसी ने डालना है तो डाल ले तुख मलंगा अगर उसका ख्याल है कि मेरी बॉडी में कोई हीट हो गई है जो नहीं हुई है उसका कहते ख्याल है है। है कि गर, गर्म गर्मी हो जाती है रोजे में गर्मी इज अ साइन ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक अगर आपको गर्मी ज्यादा लगने लगी है तो आपके मेदे में तजाबियत हो गई है जो रोजे में हो भी जाती है जी ठीक है जी, ना जी तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन लोग करते क्या हैं कि साथ मिल्क शेक्स भी पी रहे हैं साथ स्मूदीज भी पी रहे हैं हाँ। ये हैवी हो जाती है okay. ये अवॉइड करनी है रोजा खोलने के बाद ठीक है ठीक तो है। एक हल्की सी अफतारी अभी मैंने बताई द फर्स्ट पार्ट ऑफ अफतारी एक थोड़ी सी हैवी अब आपने उठ जाना है टेबल से मीठा अब मैं नोटिस किया मीठा कहा मैंने सिर्फ मीठा बोला आपने इसमें कुछ सेवरी नहीं कहा no. आपने कहा बस मीठी चीजें जो शरबत है जो दूध सेवन अप है फ्रूट चाट चाय सब चीजें मीठी हैं हाँ ये जानबूझ के ये आप लोगों के लिए मैं दोबारा कह रही हूँ ये मीठी सारी चीज़ें आप मैंने पता ही है आपने मिक्स नहीं करना ये इनका एक रूल है मुझे जो समझ आ गया आपको बाद में समझ आ गया जी ठीक है आपने मीठे से खोल लिया okay. अब आप ब्रेक दें नमाज पढ़ें जाके यस yes. क्योंकि देर इज़ योर बॉडी नीड्स टाइम ना आपने नमाज पढ़ी आपके कोई दस मिनट और गुजर गए एक्जैक्टली घड़ी के साथ चलना पड़ता है रोज़ा खोल के नमाज पढ़ने के बाद आप पानी पियेंगे और अब आप दो गिलास पानी पियेंगे अच्छा छः गिलास पूरे हो गए चार सुबह पी लिए थे आपने तो यहाँ पर दो और आ गए तो छः गिलास पूरे हो गए ठीक है अब फर्ज करें कि सात बजे रोज़ा खुला था कोई सात बीस पे आपने नमाज पढ़ी साढ़े सात आपने पानी पिया ठीक कोई पंद्रह मिनट का वकफा दे अगर आपने चाय पीनी है अगर मजीद क्योंकि लोग कहते हैं हमें चाय चाहिए ना अगर आपने पहले शुरू में चाय नहीं पी है आपने कोई ठंडा शरबत लिया है तो पानी के कोई पंद्रह मिनट बाद चाय पी लें कोई अंदाजन पौने आठ बजे चाय पी लें आठ बजे आपने खाना खाना है और जो नमकीन अफतारी थी कोशिश करें कि दो से ज्यादा साथ ना रखें पकोड़े जरूर खाएं दोबारा सुन ले पकोड़े जरूर, खा, आपने जी, ये जरूर खाएं जी खाए ना पकोड़े जरूर वो बहुत फैटनिंग होते हैं लोग कहते किसने हैं किसने कहा कि वो फैटनिंग लोग होते? कहते हैं लोग कहते हैं ना पकोड़े की कॉम्पोजिशन क्या है बेसन है बेसन कहाँ से आता है चने से या दाल से जी तो ये क्या है ये प्रोटीन है

क्रेविंग नहीं होती जो क्रेविंग हमें बारिश के दिन या रोजों में होती है क्योंकि बॉडी मांगती है ना वो प्रोटीन उस वक्त चाहिए होता है ठीक है so, सो पकौड़े आप खा लें वेजिटेबल पकौड़े भी हो सकते हैं जो भी पकौड़े चकौड़े आपने खाने हैं वो खाएं और कोई एक आध चीज़ और जैसे कोई दही भल्ले बना लें साथ और उसके साथ खाना खाएं अगर आपने खाना छोड़ना शुरू कर दिया तो होगा क्या कि कोई पंद्रहवें रोज़े से बॉडी में नकाहत शुरू हो जाएगी और वो जो आखिरी अशरा है ना जिसको आपने ख़राब नहीं करना जिसको जिसका एहतमाम करना है जिसको बचा के चलें ताकि आपको वो चीज़ हासिल हो जो अल्लाह ताला आपको ऑफ़र कर रहे हैं जिसके लिए आपको अल्लाह ताला इनवाइट कर रहे हैं तो अगर आपने खाना छोड़ दिया तो कुछ लोगों में मैंने दस दिन के बाद देखा है कुछ के बाद में पंद्रह दिनों के बाद देखा है कि कमज़ोरी शुरू हो जाती है ना तो आपने खाना ज़रूर खाना है और लेकिन मकदार कम कर देना अगर आप दो रोटियां खाते हैं तो एक रोटी खा लें और थोड़े से पकौड़े और साथ दही भल्ले खा लें ठीक है बस चावल भी, है। भी खा सकते एनी any जो आप खाते, जो आपने खाना, जो आपने ठीक खाना ठीक ठीक खाना खाना है। लेकिन नमकीन चीजें सारी सारी नमकीन चीजें ओके okay. और उसके बाद भी ग्रीन टी पी लें ताकि वो भी आपका खाना हजम हजम ठीक है अब जो है वो आता है टाइम के जी वो पढ़नी है तरावी पढ़नी है सबने और सोते सोते को ग्यारह बज जाते हैं लोग कहते हैं भूख लग जाती है ना वो भी एक टाइम है कि जब आप तरावी पढ़ के सोने लगे तो कुछ चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं गर्म दूध पी लें दूध जलेबी मैं दवाई के तौर पर रिकमेंड करती हूँ बड़े अमेजिंग रिजल्ट हैं मेरी फेवरेट चीज दूध जलेबी खा लें उससे मोटे कभी। नहीं होता नहीं कोई मोटे नहीं रोज नहीं खानी अच्छा जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा है उसका ये मतलब नहीं आप रोजाना खाएं खाए दो जलेबी और दो किलो दूध नहीं पीना है अच्छा नहीं

बीस से तीस मिनट का टाइम है आप चार ग्लास मज़ीद पी लें आप चांद खाने से पहले पहले पी लें ना अच्छा। आपने पह, पहले दो ग्लास पिए फर्ज कीजिए सात बज के बीस मिनट पर इमेजिन सात बजे रोज़ा खुला आपने सात पैंतीस में पे चाय पी है तो उसके कोई पंद्रह मिनट बाद दो ग्लास और पी लें खाना खाने से पहले दो गिलास और पी लें आराम से आपके दस गिलास पूरे हो जाते हैं बल्कि बारह भी हो सकते हैं अगर आप खाने के बाद कोई डेढ़ दो घंटे बाद दो ग्लास और दो दो पिए गिलास पानी एक साथ ठंडा नहीं पीना अच्छा ठंडा हरगिज नहीं पीना रोजों में मोटा करेगा ठंडा पानी और कमजोरी पैदा करेगा सादा पानी पिए हो सके तो गर्म पानी पिए रोजे का पता भी नहीं चलेगा तो शरबत भी ठंडा तो शरबत तो नहीं पिया जाता गर्म आप मतलब हल्का ठंडा हल्का ठंडा पी लें पीना ही है तो हल्का ठंडा पी लें मतलब बर्फ कम बर्फ ना डालें डाले ठंडा नहीं, नहीं no, no, करके no, no. हाँ। लेवल आपका ना आई डोंट नो क्या होता है बट एकदम से बॉडी आई थिंक इनटू शॉक शॉक यस यही है, है ना कुछ सही आपने वर्ड बोला शॉक में ही जाती है फिर उसके बाद कुछ खाया भी नहीं जाता जी फीलिंग भी होती है कि ये वाली चीज अच्छा जो एक और चीज आपने आप जो कही है ना जो आपके मैं नोटिस कर रही थी कि 10 मिनट ये ये जो पेस आप बता रही है मसला ये होता है इस पेस से आई थिंक ये कोई यूनिवर्सल चीज़ है जैसे इटालियंस कहते हैं और ये कि जी आस्ता आहिस्ता पेस करके खाना खा तो कम खाना खाया जाता है हम क्या करते हैं कि जब इस का टेबल सेट होता है उसी वक्त सब कुछ खा के उससे ये है कि आपकी भूख भी ख़त्म होती जल्दी नहीं होती और उसके बाद तबीयत बहुत ख़राब होती है क्योंकि आपने गलत मिक्स तो ये आई थिंक इसकी एक बहुत हमत भी है इट इज़ समथिंग कि आप थोड़ा थोड़ा करके सही वक्फे से जब खाएं तो आप वैसे ही खाना कम खाएंगे फॉर दो पीपल जो कहते हैं जो हमारा वेट लॉस नहीं होता हम गेन ही करते हैं इससे ये भी नहीं होगा राइट नहीं होगा बिल्कुल इसका नहीं इसका भी होगा, यही है बिल्कुल है क्योंकि तो आप जब जब गैप देते हैं ना तो आप अपने मेदे और आतों को टाइम देते हैं उसको आगे भेजने का और अगली चीज के आने के लिए वो दोबारा रेडी हो जाता है और जो चीज़ भी आएगी चाहे वो पानी आ रहा है या चाय आ रहा है उसको वो फुली डाइजेस्ट करेगा ना अगर आपने इंटरवल्स ही नहीं दिए तो वो अप हो जाएगी फूड सारी और वो हाफ डाइजेस्टेड आगे जाएगी अब वो फैट बने वो पानी बने वो गैस हमारे लोगों में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, है जी, जी, आपको जी, पता जी, है कितनी कॉमन प्रॉब्लम है फ्लोटिंग सो उसकी वजह यह कि हम खाने पीने में मतलब बुरा वर्ड है बट जानवरों की तरह टूटते हैं हमें हौसला नहीं है कि हम ज़रा आराम से खाएं हम चुबा के खाएं हम चुबाते नहीं हैं जल्दी मचाते हाँ। हैं अगर हम नहीं चुबाएंगे ना तो हम भूखे रहेंगे जितना मर्ज़ी खाना हमारे हमारी नज़र की भूख कभी नहीं ख़त्म होगी याद रखिएगा अच्छा आप एक और चीज़ है जो लोग कहते हैं हेल्थी अगर आ, इफ्तारी करनी है तो कहते हैं कि जी फ्रूट जूसेस कोई भी जो फ्रूट है उसका जूस निकाल के तो उससे इफ्तारी करें या खाने के साथ ले लें तो आपका इसमें मुझे तो पता है क्योंकि आपने मुझे बताया हुआ है लेकिन अगर आप लोगों को गाइड करें कि इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है देखिए जो जूसेज़ है ना वो तो कॉन्ट्राइंडेटेड मना कर दिए गए हैं साइंटिफिकली क्यों क्योंकि फ़ाइबर नहीं होता शुगर की मकदार बढ़ जाती है यानी एक ग्लास में चार पाँच किन्नु तो होंगे ना जी शुगर लेवल तो एक ब्लड में एक सर्ज होती है शुगर की ना उससे आपका शुगर मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हो जाता है ठीक है और तीसरी बात यह है कि वो जाके आपके अंदर एक एसिडिटी पैदा करता है जूसेस जो होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं ना तो वो एसिडिटी पैदा करते हैं अगर किसी को बहुत शौक है ना जूस का जिस तरह फिर मैं सेफ उसको बनाती हूँ फिर मैं उसको फ्रूट प्यूरी की शक्ल देती हूँ नॉट जूस मतलब आप ये करें आपने किन्नू डाल दिया आपने सेब डाल दिया आपने दो खजूरें डाल दी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको शेक कर लेट इज होल फ्रूट होल फ्रूट देन इट इज एन प्यूरी हाँ और इसको ठंडा नहीं पीना इसको नीम गर्म पीना फिर उसका कोई बेनिफिट है ये ये कोई नहीं करेगा नहीं ना <laughs> कोई आप और मैं होंगे बस <laughs> इसके अलावा तीसरा बंदा मैं अपने बच्चों को जूते भी मार के करूंगी ये नहीं करेंगे <laughs> बस भी हम भी तो इसलिए मतलब एक माइंड सेट भी होता है मुझे पता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए बेहतर है तो मैं करूंगी क्योंकि मेरा माइंड ये कंडीशन हो गया है लेकिन बच्चों को आप कहो तो वो कहते हैं अम्मा आप मुझे हमें टॉर्चर क्यों करती हैं आपको मजा आता है हमें टॉर्चर करने में तो चले जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है हम हाँ, कर लेंगे हाँ, बाकी लोग आ, बेशक जूसेस बस ना पी नहीं, होल फ्रूट्स खाएं फ्रूट चाट खा लें जो आपके बिल्कुल बिल्कुल ये करें प्लीज फ्रूट जूस ना लें आई थिंक एज एज ए सोसाइटी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हम ये चीजें फॉलो करें तो हम अपने आप को हीलिंग में भी जा सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं और आपकी जो एक रिलेशनशिप है विद फूड वो भी सही हो सकती सही। है बिकॉज़ सही। ये मैंने नोटिस किया है डूइंग व्हाट यू हैव टॉट मी फॉर सो मेनी इयर्स कि मेरी रिलेशनशिप विद फूड बहुत बेहतर हो गई है पहले मेरी बड़ी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप थी सही। <laughs> जो हमारी वैसे होती है इमोशनल रिलेशनशिप उसी तरह इमोशनल की जी टेंशन है खाना खा लो Uh, बहुत खुश है तब भी खाना खा लो uh, बहुत आप बोर हो रहे हैं तब भी खाना खा लो सो so ये सब चीज़ें इसीलिए रमजान में इतनी आप मैं आई वुड सजेस्ट ये जो आपने पूरी लिस्ट दी है ना आप लिखें और उसको फॉलो करके देखें लेट्स हैव अ वेरी हेल्थी रमज़ान इन